और जाम लगाने वाली 25 बसों का किया चालान। मुंबई में एयर इंडिया बिल्डिंग की फिर लगी बोली, ठाकरे सरकार ने 1400 करोड़ रुपए तय की कीमत। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर का कांग्रेस पर हमला, कहा दिल्ली दरबार के दूतों ने पीएमआर को राजनीति पर्यटन स्थल बनाया। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन में जयवर्धन सिंह का फटा कुर्ता और पजामा, दिग्विजय बोले सावास जैवी संघर्ष ही जीवन है। बिहार में अगले 3 दिन तक होगी भारी बारिश, ब्रजबात मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। जनपद बरेली में ग्राम पंचायत लंगूरा विकास खंड आलमपुर जाफराबाद तहसील आवला के रहने वाले ग्राम प्रधान वीरेंद्र पुत्र साधु राव ने गांव के अन्य लोगों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर भ्रष्टाचार करने वाले लेखपाल रिंकू राणा व उनके सिपाही पति मोहित यादव के खिलाफ कार्यवाही करने की शिकायत एसएसपी ऑफिस पहुंचकर की। ग्राम प्रधान वीरेंद्र पुत्र साधु राम ने बताया कि लेखपाल रिंकू राणा और उनके सिपाही पति मोहित यादव पिछले काफी समय से अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोगों को डराते और डराकर उनसे रिश्वत लेते हैं। आरोप लगाया गया है कि सिपाही मोहित अपनी ड्यूटी पर काफी समय से अनुपस्थित चल रहे हैं और अपनी पत्नी रिंकू राणा के साथ मिलकर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्राम प्रधान के साथ आए कई लोगों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर रिश्वतखोर रिंकू राणा और उनके सिपाही पति मोहित यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार, ग्राम लंगूरा। क्या समस्या आपकी? समस्या ये सर, पहले इन्हें आय ज्यादा बनाई थी मेरी, आय ज्यादा बनाने के बाद फिर मैंने कहा आया तो आपने बहुत ज्यादा बना दी, हम तो गरीब हैं। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, पैसे दे दो मैं कम कर दूंगी। तो फिर उन्होंने पैसे मांगे थे मुझसे, बोली तो मैंने कितना रुपये दे दें, बोले 1000 रुपये दो और एक पिज्जा ला के दो। पिज्जा मंगाया था इन्हें हमसे घर पे, वे इनका घर है वहाँ पे लाल फाटक पे, वहाँ बुला कर पिज्जा मंगाया था हमसे और 1000 रुपये लिए थे। पति इनका कोई मतलब कि सिपाही वगैरह हैं कोई, मतलब पुलिस नहीं है। इनका नाम मुझे याद नहीं है, नेपाल का नाम बता, रिंकू राणा। महिला कौन है? खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा से। जनपद आगरा के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सज्जन सागर के घर पर सोमवार देर रात दबंग भूमाफियाओं द्वारा हथियारों के साथ हमला बोलने के मामले में पुलिस ने लूट और अन्य 9 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों के घर पर दबिश देना शुरू कर दिया है। एसएसपी मुनिराज ने मामले को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी को कठोर कार्रवाई करने और मंगलवार तक हर कीमत पर आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सूत्रों की माने तो 2 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक थाना एतमान दौला के कछपुरा निवासी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सज्जन सागर के घर में सोमवार रात में दरवाजा तोड़ दिया गया था। पीड़ित पत्रकार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, पर तब तक आरोपियों ने उन छोटे भाई की पिटाई लगा दी थी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। थाना प्रभारी देवेंद्र पांडे ने आधा दर्जन पुलिस कर्मियों को परिवार की सुरक्षा में लगाया है। घटना के बाद आगरा के राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जो हमारे पत्रकार साथी सज्जन कुमार पर प्राणघातक हमला हुआ है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी से निवेदन है कि 24 घंटे के भीतर इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और जो उनके धंधे चल रहे हैं उन धंधों की भी जांच करा के सख्त से सख्त कार्रवाई, जिससे आने वाले दिनों में किसी हमारे पत्रकार साथी या और लोग जो सच्चाई का साथ देते हैं उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। हम पूरे ताकत के साथ भाई सज्जन जी के साथ हैं और हर पल उनके साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और अन्याय का विरोध कर रहे हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से। जनपद सिद्धार्थ नगर में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आए दिन घटनाएं सुनाई देती रहती हैं। जब तक कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए तब तक विद्युत विभाग व आला अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा मामला सिद्धार्थ नगर जिले के साहेपारा गाँव का है, जहाँ बिजली विभाग द्वारा लापरवाही देखने को मिल रही है। पूरे गाँव में बिजली सप्लाई के लिए 11,000 की वोल्टेज का नंगा तार दौड़ाया गया है, जो तमाम लोगों के घरों से होकर गुजरा है। हर दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से लोगों के घर में करंट उतर जाता है, कई बार घर वाले इसके चपेट में आ चुके हैं। अगर समय रहते बिजली विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ी घटना भी हो सकती है। इटवा एसडीओ किशोर कौशल ने कहा कि अब जानकारी मिली है, जेई को भेजकर स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा, समस्या का जल्द समाधान होगा।
ये जो है तार जो है सटा हुआ है छत पे, कोई लड़के बच्चे जाते हैं तो करंट मार देता है, और जो है उतर भी जाता है करंट कभी कभार, और ये हट जाता तो ज़्यादा मतलब परेशानी से बच जाते हम लोग। ये बीचों बीच में गया है, सामने दिख रहा है, ये देख लो। हाँ, छत पे, छत पे कोई जाता वाता नहीं डर की वजह से। बहुत मरतबा किया हम लाइट विभाग वाले से, मगर ऐसा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये तार हट जाए यहाँ से, और वो सटता है तार तो चिंगारी भी निकलता है। ये जो तार दिख रहा है उसे बना दिए हम लोग लकड़ी उकड़ी। हाँ, अब ये जब लकड़ी टूट जाता है तो सड़ जाता है तार, और ट्रांसफार्म भी उड़ जाता है। जब यहाँ पे जो वायर सड़ जाता है तो ट्रांसफार्म भी उड़ जाता है, तो लाइट ऐसे हो जाता है कि मतलब हफ्ता हफ्ता दिन आता भी नहीं है। घटना संज्ञान में आया हुआ है, मैं यही आपको भेज के स्थलीय निरीक्षण करवा लेता हूँ, उसके बाद जैसी स्थिति होगी तो उसको हटाने लायक होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पारिवारिक विवाद में महिला और उसकी बहनों को पति समेत अन्य ससुराल वालों ने कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा है। मारपीट में विवाहिता को गंभीर चोटें लगी हैं। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पिंकी पत्नी दिलीप कुमार निवासी आवास विकास कॉलोनी अपने ससुरालियों के साथ रहती है। बुधवार को महिला की बहनें और मां घर पर आ गई थी। आरोप है कि तभी दिलीप के बुआ का लड़का धर्वेंद्र आया और गाली गलौज करने लगा। जब इसका विरोध किया तो पति समेत अन्य ससुरालियों ने उनको कमरे में बंद कर मारपीट शुरू कर दी, जिससे वो घायल हो गई। जब ससुराल वालों ने कमरे को खोला तब महिला और उसके परिजन थाना पहुंचे और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। वहीं पुलिस ने घायल महिला का चिकित्सीय परीक्षण करवाया और पुलिस जांच में जुटी है। नंद ने, सास ने, पति ने और ससुर ने सब किस बात के लिए मारपीट की है? दहेज के लिए। कहाँ है ससुराल तुम्हारी? आवास विकास कॉलोनी। कितने लोगों ने मारा है? नंद, ससुर, सास, पति और उसने बुआ हुआ की लड़की वगैरह बुला रखी थी। कहाँ से मारपीट की है? पता नहीं, डाल लिया था नाखून वगैरह क्या है। खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से। जनपद बरेली के थाना शाही क्षेत्र के मोहल्ला सुभाष नगर में रहने वाले पति पत्नी ने आज SSP ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है और उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और उन्हें जान से मारने की और पलायन करने की धमकी दी जा रही है। आत्मानंद रस्तोगी ने SSP ऑफिस पहुंचकर शिकायत की थी। उनकी बेटी बाजार में सामान लेने के लिए गई थी, तभी उसका अपहरण किया गया। आत्मानंद रस्तोगी का कहना है कि उनके मामले की शिकायत थाने पहुंचकर की, मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद बीती 6 अगस्त को पुलिस ने FIR दर्ज की और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि उनको लगातार ये धमकी मिल रही है कि वो आगे कार्यवाही ना करें। आत्मानंद और उसकी पत्नी ने SSP ऑफिस पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। आत्मानंद रस्तोगी, थाना साई, जिला बरेली का रहने। मेरी बेटी बाजार में सौदा खरीदने गई थी, घरेलू चीज़ें, वहीं से अगवा कर लिया गया है और हमने इंतजार देखा, वो लड़की शाम तक घर नहीं आई। तहरीर देने गए, थाने वालों ने हमारी तहरीर मुकदमा कायम नहीं करा है। फिर 6 तारीख में गए हम तो मुकदमा कायम करा है और आज तक 11 तारीख हो गई, आज कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने जो नामजद रिपोर्ट लिखाई है उनमें एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और हमको कल 10 तारीख में असर हुसैन, पूर्व चेयरमैन के बेटे ने बुलाया अपने घर, कहा कि या तो पलायन कर जाओ या तुम्हारे पूरे परिवार को हम जिंदा जला के मार देंगे पूरे, कि लड़की को भूल जाए आप। धर्म परिवर्तन जबरिया करा दिया उसका, मैंने तो शादी करा दी, तय कर दी थी उसकी। आला हजरत में दिखा रहे हैं कि आला हजरत में उसके निकाह कर लिया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।